औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा ज़हरा यानी यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां से मदद हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमारा फेसबुक पेज जो फातिमा ज़हरा का है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इंशाल्लाह ज़रूर मदद की जाएगी। आज के अमली वज़ाइफ से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे हुए दिल की दुआ कबूल नहीं करते। कि दिल में आप वसवसे भी रखें, दिल में आप खदशे भी रखें, दिल में कहें कि ये पूरी होगी नहीं होगी, या अल्लाह पाक हमसे प्यार करते हैं क्यों नहीं करते, या फिर ये कहें कि पता नहीं हमारी दुआ जो उनसी है अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हैं, या पता नहीं क्यों नहीं। अल्लाह पाक हर किसी की दुआ कबूल करते हैं, ठीक है। आपका यकीन इतना कामिल मजबूत हो कि आप इधर दुआ करें उधर अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो जाए। मैंने पहले भी एक हदीस में आपको समझाया था कि आप अल्लाह ताला से ऐसा तल्लुक कायम कर लें कि इधर आप अल्लाह पाक से बात करें और इधर आपकी जो है मुश्किल आसान हो जाए। आज जो मैं अमल आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत सी ऐसी खवातीन के लिए अमल है जो घर शान है, कोई हस्बैंड वाइफ का मसला, बहुत ज्यादा अक्सर दफा शादियों के बाद यही प्रॉब्लम चूमती हैं, बहनों के साथ रहती हैं, शोहर या तो मोहब्बत नहीं रखते, ठीक है, या उनसे उन्स नहीं रखते, या उनके जो अखराजात हैं वो पूरा नहीं करते। अगर भाई लोग हैं वो खवातीन से थोड़ा सा परेशान होते हैं कि वो इज्जत नहीं करते, या फिर उनको टाइम नहीं दे पा रहे होते, या इस किस्म के मसले, या जो उनका असल मकसद है उसके ऊपर कदम नहीं रख पा रही होती, तो ऐसे मसले के लिए सबसे पहले जो नक्श स्क्रीन पर चल रहा है बस ये आपने बनाना है। स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट करके फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। अगर आप हाथ से लिखें तो नक्श मुबारक कोई मसला नहीं, आप हाथ से भी लिख सकते हैं। नॉर्मल नक्श इसमें कोई चाल नहीं है, आप ये नक्श बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। खवातीन जो हैं वो खासकर अपने पर्स में रख लें, पास रख लें, अपने रूम में रख लें, और अगर कोई ऐसी मसला ऐसी परेशानी आ गई है जिसमें आप लोगों को ये परेशानी आती है कि अब अगर ये अगर जरा सा भी हम आपस में बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, नाराजगी हो जाएगी, या हमारे रिश्ते में फर्क होगा, तो फिर ये अमल आप जरूर करें। तो इंशाल्लाह अगर भाई लोग हैं वो भी अमल अपने पास नक्श को रख सकते हैं, फिर तकिए में रख सकते हैं, या फिर अपने रूम में रख लें, तो ये नक्श बस आपने रखना है। नक्श जुमे वाले दिन आप रखें, और जुमे वाले दिन नक्श रखने के बाद आपने जिक्र शुरू करना है, ठीक है। दिल से करें, अल्लाह से दुआ करें, सिर्फ जिक्र करें, और जिक्र से बस अपने दिल में तस्वुर कायम कर लें कि आप ये किस मकसद के लिए आप अमल करें। अपने प्यारों को मनाने के लिए अमल किया जा सकता है, और आप शादी के लिए खासकर ये अमल कर सकते हैं। आप जो भी बहन भाई हैं, जो भी परेशान हाल हैं, तकलीफ में हैं, और वो अमल मतलब के जो रिश्तों की बंदिश आ जाती है या इस किस्म का मसला आ जाता है वो भी ये अमल कर सकते हैं, और जिनका आपस से जैसे तालिब और मतलूब का मसला है वो भी ये अमल कर सकते हैं। लेकिन नक्श को अपने पास आपने रखना है, और जिक्र सिर्फ और सिर्फ या वदूदो का करना है। 786 मरतबा या वदूदो आप जुमातुल मुबारक वाले दिन जब नक्श बना लें, पास रख लें, फिर ये जब नक्श बन जाए तो फिर आपने अमल को शुरू करना है। जुमे के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं, और कोशिश करें सुबह 10 बजे के टाइम या 10 बजे के बाद ही आप अमल आराम से कर सकते हैं। ये अमल कम से कम 7 दिन तक नक्श को अपने पास रखें। अगर आपका काम हो जाता है, नक्श को किसी पानी में बहा दें, ठीक है, बेअदबी ना करें, ये छोटा सा आप काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आप बहन जमाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ, तो आप हमारे चैनल पर आकर हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आपकी मदद की जा सके। ये तमाम वीडियो मदरसा फातिमा ज़हरा की तरफ से पेश की जा रही हैं। जज़ाकअल्लाह खैरन।